हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैसे कॉस्ट डिग्री और कॉस्ट सेंटर बनाते हैं और उसका क्या काम होता है और उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परचेज। देखिए दोस्तों, परचेज दो प्रकार की होती है, एक होती है क्रेडिट परचेज, एक होती है कैश परचेज। क्रेडिट परचेज मतलब उधार पे खरीद, और कैश परचेज मतलब नगद पे खरीद। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैश पे परचेज। ठीक है, कैश परचेज कैसे होती है। तो देखिए दोस्तों, टैली में चाहे कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज, पेमेंट की एक अलग एंट्री होती है, परचेज की एक अलग एंट्री होती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग कैश परचेज करते हैं, अगर गुड्स में कोई दिक्कत है तो उसको डेबिट नोट के साथ वापस करते हैं और फिर पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले परचेज करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे तो हमको परचेज में जाना है। परचेज के लिए हम F9 प्रेस करेंगे। ठीक है, पूछा सप्लायर इनवॉइस, तो हम कहेंगे INV/001, डेट 1 मई। पार्टी पूछेगा, ऑल्ट सी करेंगे, बना लेंगे मिस्टर बी। मिस्टर बी हमारे हो जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर। यहां पे ऑल्ट सी करके परचेज का लेजर बना लेंगे। और यहाँ पे आइटम बना लेंगे जो जो हमें खरीदना है। ठीक है, तो पहला हमने क्या कहा, पहले हम खरीद लेते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर मान लीजिए हमने खरीद लिया 20 पीस 30,000 का। फिर और भी करते हैं यहाँ पे टेलीविजन। टेलीविजन भी 20 पीस, और ये खरीद लेते हैं हम 40,000 का। और फिर ऑल्ट सी करके मोबाइल। मोबाइल भी 20 पीस, और ये खरीद लेते हैं हम समझ लीजिए 10,000 का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय मिस्टर बी। बीइंग गुड्स परचेज्ड। ठीक है, अब हमने परचेज कर लिया। अब मान लीजिए परचेज तो कर लिया, आइए इसको स्टॉक समरी में भी देख लेते हैं। स्टॉक समरी में जैसे आएंगे, देखिए सब गुड्स हमको दिख रहा है, 20 20 पीस है, इतना इतना रेट है, ये वैल्यू है। ठीक है, अब मान लीजिए परचेज कर लिए, अब गुड्स में कोई डिफेक्ट आ गया, तो डिफेक्ट आ गया तो उसे वापस करने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट नोट में एंट्री करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कंपनी फीचर में जाएंगे, फिर उसके बाद हम इन्वेंटरी फीचर में जाएंगे। और देखिए राइट हैंड साइड पे जहां हमारा ये कर्सर है इस समय, यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट, इसको यस कर लेंगे। ठीक है, परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट होता है, यस कर लेंगे। और कंट्रोल ए सेव करने के बाद फिर हम कहां आ जाएंगे, हम आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में देखिए F9 के साथ डेबिट नोट है, पर ये डबल अंडरलाइन है, तो कंट्रोल F9। ठीक है, जैसे डेबिट नोट आएगा इनवॉइस ये भी पूछेगा, तो हम इसको भी दे देंगे इनवॉइस। क्या दे देंगे, DB/001। ठीक है, इंटर। मिस्टर बी पार्टी है हमारी। ठीक है, यहाँ पे परचेज का लेजर नहीं बनेगा, यहाँ पे बनेगा परचेज रिटर्न का। परचेज रिटर्न का लेजर बन जाएगा, परचेज अकाउंट में जाएगा और इंटर करके सेव। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम तो बनाना नहीं है क्योंकि बना हुआ है, अब जितना हमें वापस करना है उतना कर देते हैं। कंप्यूटर मान लीजिए 5 पीस, रेट आ जाएगा क्योंकि जिस रेट पे हम खरीदे हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, मेरा मोबाइल है, मोबाइल मान लीजिए हम 10 पीस वापस कर देते हैं। और तीसरा है टेलीविजन, टेलीविजन हम 15 पीस वापस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स
रिटर्न ड्यू टू बैड क्वालिटी, ठीक है, बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू बैड बैड क्वालिटी, ठीक है, इंटर इंटर। अब चेक कर लें कि हमने वापस कर दिया तो स्टॉक पे हमारे असर पड़ा कि नहीं। स्टॉक समरी में आएंगे, इंटर करेंगे, आपको जो गुड्स देखना है उस पे इंटर करिए, आप देख सकते हैं। देखिए 20 पीस कंप्यूटर हमने मंगाया था, परचेज किया था, 5 पीस वापस कर दिया, तो हमारे पास कितना बचा, 15 पीस। सबका आपको वैसे दिखेगा, मोबाइल में भी 5, मोबाइल हमने कितना मंगाया था, 20 पीस, 10 वापस कर दिए, 10 बचा, और टेलीविजन 20 पीस में 15 वापस कर दिए, 5 बचा, ठीक है। अब जितना भी अमाउंट हमारे पास है मिस्टर बी का, उसको क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे सेम डेट पे। तो हम अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, परचेज पे हैं तो F5 से चले जाएंगे पेमेंट में, कैश पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो कैश पेमेंट के लिए कैश हम ले लेंगे ऊपर। अब यहाँ क्या ले लेंगे, मिस्टर बी, मिस्टर बी का करंट बैलेंस दिख रहा है 7,50,000, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे और लिख देंगे बीइंग पेमेंट मेड टू मिस्टर बी, ठीक है, इंटर कर देंगे, इंटर करके सेव कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों आपको अपनी एंट्री देखनी हो तो आप जाएंगे डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले है, इंटर, और फिर इसके नीचे डे बुक में, डे बुक में देखिए तीनों एंट्री आपको दिखेगी सेम डेट की है, ठीक है। आइए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट में भी लिख सकते हैं।